हे गाइस, हेल्दी स्प्लिटन एंड डैमेज फ्री है तो हम सभी चाहते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे हम स्प्लिटन एंड प्रिवेंट को फिक्स कर सकते हैं। कुछ सिंपल इजी होम रेमेडीज जो स्प्लिटन को रोकने में हेल्प करेगी। सबसे पहले करेंगे ऑयल मसाज। पर स्प्लिटन होता क्यों है? क्योंकि इनफ नरिशमेंट, हाइड्रेशन नहीं मिलता है। ज़्यादा फ्रीजी ड्राइनेस की वजह से भी स्प्लिटन होता है। आज मैं आप लोगों के साथ 100% नेचुरल नरिशमेंट हेयर ऑयल शेयर करूंगी, जो कि आपके सिर्फ हेयर स्प्लिटन को नहीं, साथ ही साथ में आपका हेयर फॉल को, हेयर ग्रोथ करेगा, डैंड्रफ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एंड आपको हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड शाइनिंग भी होगा। तो उसके लिए चाहिए कोकोनट ऑयल, एलोवेरा, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा इसमें कलौंजी चाहिए, थोड़ा सा मेथी चाहिए। 2 मिनट अच्छे से इसको जब भून लेंगे, उसके बाद रोजमेरी इसमें ऐड करेंगे। ड्राई रोजमेरी आपको अमेजोन में मिल जाएगा, कोकोनट ऑयल जो मैंने यूज़ किया है वो भी आपको अमेजोन में मिल जाएगा। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने डाला है, जब पूरा डार्क रेड हो जाएगा तब गैस को ऑफ करके इसको थोड़ा सा कूल डाउन करना है। उसके बाद कांच के कंटेनर पे स्टोर करके आप रख सकते हो। जब भी आप यूज़ करोगे इस ऑयल को, थोड़ा सा वार्म कर लेना, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है थोड़ा दिन बाद जम जाएगा जब विंटर थोड़ा सा आएगा। तो थोड़ा सा वार्म करके लगाओगे तो इजी होगा लगाना। इस ऑयल को लगाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर ड्राई, डैमेज, थोड़ा सा खड़खड़ा अगर हेयर है ना, बहुत स्मूथ हो जाएगा। पर आपको ये रेगुलर लगाना पड़ेगा। आप जब भी शैम्पू करो उससे 2 घंटा पहले भी लगा सकते हो, या फिर आप नाइट पे लगा के भी छोड़ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये ऑयल से आपका हेयर फॉल भी अगर हो रहा है तो वो भी कंट्रोल होगा। ड्राई, डैमेज, फ्रीजी हेयर के लिए तो अच्छा है ही, पर आपका जो स्प्लिटन हो जाता है बिकॉज इनफ नरिशमेंट नहीं मिलता है हेयर को, एलोवेरा है आपका हेयर को हाइड्रेट भी करेगा, नरिश भी करेगा एंड सॉफ्ट भी रखेगा। एंड जो ड्राइनेस और फ्रीजीनेस के लिए जो स्प्लिटन हो जाता है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको रेगुलर अगर यूज़ करोगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कोई केमिकल्स नहीं है तो ये ऑयल बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को आप 2 आवर लगा सकते हो या फिर आप ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हो। उसके बाद सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री शैम्पू से आप वॉश कर लेना, जो भी आपका हेयर का टाइप के हिसाब से आपका फेवरेट शैम्पू है। नेक्स्ट है नरिशमेंट एंड प्रोटीन डाइट फॉर हेल्दी हेयर। कोकोनट वाटर अपने डाइट पे ऐड कर सकते हो, फ्रूट ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो ताकि इनफ प्रोटीन मिले आपको। एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, फिश हेयर का क्वालिटी बहुत अच्छा करता है बिकॉज वो मेगा 3 है। तो डाइट पे आप ऐड कर सकते हो, कोई भी सीजनेबल फ्रूट हो वो अपने डाइट पे ज़रूर आप ऐड करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट नट्स, आप ड्राई फ्रूट अपने डाइट पे ज़रूर ऐड करो। नेक्स्ट है हेयर नरिशमेंट मास्क। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेयर को नरिश करना। मैंने बहुत सारा होम रेमेडीज हेयर मास्क दिखाया है, उनमें से कुछ भी लगा सकते हो या फिर आप प्लम का भी नरिशमेंट हेयर मास्क लगा सकते हो। बहुत अच्छा है ये मास्क, मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी मिला है। ये मेरा 2nd टब है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इसको लगा के मैं 15 मिनट रखती हूँ, पर उससे पहले मैंने शैम्पू कर लिया ताकि हेयर में कोई डर्ट्स ना रहे। और इसको लगा के 15 मिनट अगर रखोगे, आपका हेयर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, कंट्रोल करता है फ्रीजी, ड्राई, डैमेज हेयर को, डीपली कंडीशन करता है, प्रिवेंट करता है हेयर ब्रेकेज को। मास्क लगाने के बाद मास्क ड्राई ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे सावर कैप यूज़ कर रही हूँ। 15 मिनट के बाद मास्क को अच्छे से प्लेन वाटर से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने शैम्पू कर लिया था। और नॉरियल का ये जो कंडीशनर है हाइड्रेटिंग है, नरिश भी करता है, काफ़ी अच्छा है, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जितना पॉकेट फ्रेंडली है उतना ही ज़्यादा फायदेमंद है। रिड्यूस करता है डैंड्रफ को, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, इची स्कैल्प में भी आपको बहुत हेल्प करेगा एंड हेयर को नरिश करता है। स्प्लिटन होता है बिकॉज विटामिन B2, B6, B12, B एंड विटामिन C की कमी होती है। तो अगर आप एलोवेरा अपने लेंथ पे लगाते हो तो इस सारे बेनिफिट आपको मिल जाता है एंड आपका हेयर हेल्दी एंड नरिशिंग रहता है। हेयर जितना सॉफ्ट रहेगा, हाइड्रेट रहेगा, नरिश रहेगा, उतना ही स्प्लिटन फ्री रहेगा।
नेक्स्ट है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल फिक्स करता है स्प्लेटन को, एंड्स को ट्रीट करता है, ड्राई स्कैल्प को मॉइस्चराइजर एंड नरिश करता है। दो तीन ड्रॉप अपने हाथ पे लेके अपने लेंथ पे लगा सकते हो, इससे हेयर हेल्दी एंड स्प्लेटन फ्री रहेगा। स्प्लेटन को रिमूव करने के लिए हेयर को ट्रिमिंग या फिर स्प्लेटन के लिए जो हेयर टूल आता है जो स्प्लेटन को ही रिमूव करता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने नायका से लिया है, 4000 इसका प्राइस है, नायका में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। या फिर आप घर पे भी स्प्लेटन को रिमूव कर सकते हो कैंची से, पर घर पे करना पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप पहले सैलून में जाके परमानेंटली आप अपना हेयर को थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, क्योंकि जो स्प्लेटन हो गया है वो डैमेज है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जैसे कांच का ग्लास एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ नहीं सकता, वैसे ही स्प्लेटन एक बार अगर हो जाता है तो उसको कट करना ही पड़ता है। एंड घर पे थोड़ा थोड़ा करके आप स्प्लेटन को रिमूव करो ताकि आपका हेयर हेल्दी एंड शाइनी रहे। नेक्स्ट है सील पिलो कवर। मुझे लगता है ये हम सबके पास ही होना चाहिए, क्योंकि सोते टाइम हमारे हेयर रब होता है जो डैमेज करता है, स्प्लेटन होता है। हम सबके घर पे मैचिंग बेडशीट के साथ पिलो कवर आता है जो कि हेयर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो जब भी मैं सोती हूँ सिर्फ पिलो कवर ऊपर से मैं लगा लेती हूँ, और जब मैं सोती नहीं हूँ तो सिर्फ पिलो कवर को मैं रिमूव करके रख देती हूँ ताकि मेरा घर भी प्रेजेंटेबल दिखे और मेरा हेयर भी हेल्दी रहे। सिर्फ पिलो कवर यूज़ करने से स्प्लेटन नहीं होता है, हेयर ब्रेकेज नहीं होता है, हेयर हेल्दी रहता है एंड स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम फॉर हेयर। बहुत ज़्यादा अगर हेयर डैमेज है, फ्रीज है एंड बहुत ज़्यादा स्प्लेटन हो गया है तो आप रोज रात में इस नाइट क्रीम को लगा सकते हो हेयर पे, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपका हेयर को हाइड्रेट करता है, कोई भी चिपचिपापन नहीं है। तो इसको नेक्स्ट डे आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होता है, आप एंड्स में लगा सकते हो। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, आपका हेयर भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, हेयर नरिश भी रहेगा तो आपका स्प्लेटन भी नहीं होगा एंड हेयर हेल्दी भी रहेगा। तो रूटीन पे आप इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेस हेयर टूल जो कि स्ट्रेटनर है, कर्लर है। ज़्यादा अगर यूज़ करते हो तो आपका हेयर ब्रेकेज भी होता है, स्प्लेटन भी होता है, ड्राई और फ्रीज भी हो जाता है। तो कोई भी अगर हीट टूल आप यूज़ कर रहे हो तो आप हीट प्रोटेक्टर यूज़ करो ताकि आपका हेयर ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज ना हो, स्प्लेटन भी ना हो। ऑकेशनली आप अपने हेयर टूल यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा यूज़ ना करें, हेयर डैमेज होता है। मैं कोई भी हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डायसन से अपने हेयर को सेट करती हूँ, ब्लो ड्राई करती हूँ ताकि मेरा हेयर हेल्दी एंड शाइनी रहे। नेक्स्ट हेयर स्लीपिंग कैप। अगर आप हेयर स्लीपिंग कैप यूज़ करते हो तो आपका हेयर जो है आपको थैंक्स बोलेगा, बिकॉज आपका हेयर का क्वालिटी डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि प्रिवेंट करता है टैंगल को, मिनिमाइज करता है फ्रीजीनेस को, लेस करता है ड्राइनेस को, मेंटेन करता है आपका हेयर स्टाइल को ओवरनाइट एंड सेव करता है टाइम को, क्योंकि मॉर्निंग में आपका हेयर उलझेगा नहीं ना, डिटैंगल होगा, आपका हेयर का जो टेक्सचर है वो डे बाय डे इंप्रूव होगा, हेयर ब्रेकेज भी नहीं होगा और आपके हेयर पे स्प्लेटन भी नहीं होगा, और आपका हेयर का क्वालिटी डे बाय डे बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इसको रोज यूज़ करते हो तो थैंक मी लेटर, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक टिप्स है, तो ज़रूर इसको अपने रूटीन में ऐड करना, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मैं मिलूँगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में, आप सब मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। आप सबको बहुत सारा प्यार, खुश रहो, अच्छे से रहो, बाय।